पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान की आज पहली पुण्यतिथि है। बता दें कि ये लोजपा कार्यालय पर मनाई जा रही है। उनके जो भाई हैं, अभी केंद्रीय मंत्री है पशुपति कुमार पारस, जो है अपने तरफ से ये पुण्यतिथि रखा है। और इसमें जो है लगभग पारस उठ के ही नेता मौजूद है। पिछले दिनों जब पहली बरसी हुई थी तो वो चिराग पासवान ने कराया था उसको, उसमें जो है बिहार के सभी नेता पहुंचे थे, नीतीश कुमार नहीं पहुंचे थे। लेकिन इसमें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। ये पारस उठ के तरफ से जो है ये रखा गया है पुण्यतिथि। आप देख सकते हैं यहाँ पर पशुपति कुमार पारस भी बैठे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लोजपा के कार्यकर्ता जो है सब बैठे हुए हैं, और सामने जो है रामविलास पासवान की जो उपलब्धि रही है राजनीति में उसको दिखाया जा रहा है कार्यकर्ताओं के सामने। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है, और यहाँ पर जो है रामविलास पासवान की जो उपलब्धि रही है उसको टेलीविजन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जो है यहाँ पर सुबह से ही आकर के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से भीड़ लगा हुआ है। हम कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि यहाँ पर किस उद्देश्य के साथ वो आए हैं, किस तरह से अपने नेता की बरसी मना रहे हैं, हम बात करेंगे। माना जाता है कि रामविलास पासवान जो है दलितों के बड़े नेता थे, और बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? कोइलवर से। कहला किस लिए आए? बालू मजदूर हैं। बालू मजदूर हैं, यहाँ पर कौन लेकर आए आप? हम लोग लेके आए। किसको देखने आए आप? रामविलास पासवान। आज क्या है उनका? रैली है। रामविलास पासवान का रैली है कि पुण्यतिथि? रैली है। चलिए, तो इनको बुलाया गया है, और जो है इनका कहना है कि रैली है लेकिन रैली नहीं है, पुण्यतिथि है। हम कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? सहरबनी। क्या इसलिए कहाँ पर यहाँ पर जो है किस लिए आए हैं? रामविलास पासवान। क्या है उनका आज? छत्ता लगेगा। क्या लगेगा? छत्ता। तो आप यहाँ पर कुछ और भी नेता है उनसे हम बात करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से जो है कार्यकर्ता। आप कहाँ से आए हैं? अलोली हरिपुर से। खगड़िया। यानी रामविलास पासवान जहाँ के थे वहीं से? हाँ। किस लिए आए हैं? उनका पुण्यतिथि आज। एक पुण्यतिथि दिल्ली में भी मनाया जा रहा है, वहाँ मनाया, यहाँ पारस। आकर्षित करते हैं, और आज तक जो हम लोग इनके साथ हैं 45 साल से साथ हैं, जो मान सम्मान देते हैं कोई नेता नहीं दे पाए। बेटा को चिराग पासवान है? बेटा जरूर है, हम बेटा को अनादर नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे गार्जियन है, और पहले गार्जियन होगा तब बेटा होगा। तो यहाँ पर कार्यकर्ता है, इनका कहना है कि रामविलास पासवान के बाद जो है पशुपति कुमार पारस वही जो है हमारे नेता हैं, और बहुत पुराने जमाने से उनसे जुड़े हुए हैं। तो आप सुन सकते हैं किस तरह से जो है कार्यकर्ताओं का यहाँ पर उत्साह है, और यहाँ पर प्रिंस राज पहुँच गए हैं। देख सकते हैं आप तस्वीर से दिया प्रिंस राज को। सर, तो पहली पुण्यतिथि है। हाँ, हमसे बात करेंगे। प्रिंस पासवान यहाँ पर पहुंचे हुए, देख सकते हैं आप। जब से पशुपति कुमार पारस और प्रिंस पासवान ने अलग रूट बनाया है, जब से जो है प्रिंस पासवान यहाँ पर जो है सक्रिय हो गए हैं राजनीति में, और लगातार जो है यहाँ पर आते रहते हैं। कार्यकर्ताओं की बात करें उससे वो लगातार जुड़े रहते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से जो है यहाँ पर पशुपति कुमार पारस और रामविलास पासवान की तस्वीरें लगाई गई है। इस तरह से जो है वो राजनीति में सक्रिय थे, तो यहाँ पर 50 साल पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में पशुपति कुमार पारस को किस तरह से जो है राजनीति में वो आगे बढ़ाए, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रामविलास पासवान की तस्वीरें लगाई गई है, और उनको यहीं पर पुष्प अर्पित किया जाएगा। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पहुँचने वाले हैं, और राज्यपाल हैं वो पहुँचेंगे, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के भी आने की खबरें हैं। तो आज जो है बड़ा तैयारी किया गया है, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर पिछले महीने भी इसी तरीके से चिराग पासवान ने एक आयोजन किया था। आप
तो आपने देखा किस तरह से जो है यहाँ पर उत्साह है और कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लगातार जो है पशुपति कुमार पारस से जुड़े हुए। लेकिन एक पुण्यतिथि जो है दिल्ली में चिराग पासवान मना रहे हैं, उसमें जो है बीजेपी के बड़े नेता पहुँचने वाले हैं, प्रधानमंत्री के भी पहुँचने की खबरें थी, लेकिन प्रधानमंत्री अगर नहीं जाते हैं तो खबरें हैं कि जेपी नड्डा और अमित शाह पहुँचेंगे उस पुण्यतिथि में। तो देखना होगा इस पुण्यतिथि के जरिए जो है राजनीति में ये शक्ति परीक्षण भी दिखाने का दौर है। और रामविलास पासवान जब से वो यानी कि उनकी स्वर्गवास हुई है, वो तभी से जो है चाचा और भतीजे में कुछ बन नहीं रही है। बने रहे हमारे साथ, आपको हम तमाम इस खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। नमस्कार।